रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एक काशी सीक्वेंस एक लेमा है, एक काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड। तो इससे पहले एक लेमा हमने डिस्कस किया था कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड, यानी एक्स एन कोई सीक्वेंस है जो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब ये था कि एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल एन इज इक्वल आर ग्रेटर देन एप्सिलॉन। इस डिफिनेशन से आप वाकिफ हैं, अगर किसी को कोई इश्यू है तो प्रीवियस वीडियोस और कन्वर्जेंस की वीडियो देखना तो क्लियर हो जाएगा कि एप्सिलॉन का क्या मतलब है, के एप्सिलॉन क्या होता है, एन क्या होता है। तो बाउंडेड का मतलब यह है कि कोई सीक्वेंस एक्स एन वो इज इक्वल आर लेस देन एम होगा और एम जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। जीरो से ग्रेटर कोई भी रियल नंबर और सीक्वेंस की सारी टर्म उस रियल नंबर से लेस होती है तो वो नंबर वो सीक्वेंस होता है बाउंडेड। जैसे आपके पास एक सीक्वेंस है एक्स एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन, ये सीक्वेंस देखिए वन वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री अप टू सो ऑन। तो इस सीक्वेंस में देखिए इसका एक बॉन्ड सुप्रीमम जो है वो वन है और ये कन्वर्ज कर रहा है जीरो को और जीरो इसका इंफिमम, तो बाउंडेड अबोव बाई वन है और बाउंडेड बिलो बाय जीरो है। तो इसको लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल आर लेस देन वन अपॉन एन इज इक्वल आर लेस देन वन होगा। लेकिन हमने शो ये करना है कि ये वन अपॉन एन है वो किसी पॉजिटिव नंबर एम से लेस, इसको शो करना है। अभी देखिए जीरो इसका एक लोअर बाउंड है तो जीरो से लेस जितने भी रियल नंबर है वो सारे इसके लोअर बाउंड है, माइनस वन भी एक लोअर बाउंड है, माइनस टू भी एक लोअर बाउंड है, इसी तरह वन अपर बाउंड है तो टू भी अपर बाउंड होगा, थ्री भी वन से ग्रेटर है, जितने भी रियल नंबर है उसके अपर बाउंड। तो लेकिन ये सीक्वेंस देखे जीरो और वन के बिटवीन बाउंड है, हम सारे लोअर बाउंड और अपर बाउंड को डिस्कस नहीं करते हैं, कोई एक ऐसा पॉजिटिव नंबर देखते हैं जिससे आप जो इस अपर और लोअर दोनों के लिए बाउंड कर, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन अपॉन एन इज लेस देन एम का मतलब यह है कि माइनस एम इज लेस देन आर इक्वल टू वन अपॉन एन विच इज इक्वल आर लेस देन एम, इस तरह का कोई एक नंबर हम दें। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए इसका इंफिमम जीरो है और सुप्रीमम वन है, तो वो एम फाइंड करने के लिए हम एम इज इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ इन्फिमम का एब्सोल्यूट वैल्यू और सुप्रीमम का एब्सोल्यूट वैल्यू। इन्फिमम का एब्सोल्यूट वैल्यू और सुप्रीमम का एब्सोल्यूट वैल्यू का मैक्सिमम लेते हैं तो वन है, इसका मतलब ये होगा कि वन अपॉन एन जो है वो बाउंडेड होगा वन से। इसको ओपन किया तो माइनस वन इज इक्वल लेस देन वन अपॉन एन होगा विच इज इक्वल लेस देन वन। तो हम इस तरह से ये शो कर सकते हैं कि जितने भी कन्वर्जेंट सिक्वेंस है वो बाउंडेड, इसी तरह जितने भी काशी सीक्वेंस है रियल नंबर के वो भी बाउंडेड हैं। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है वो प्रूव किया था एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज इक्वल आर ग्रेटर देन के एप्सिलॉन बाय डिफिनेशन, इसको प्रूव किया। तो आप देखें कि उसका प्रूफ मौजूद होगा लेक्चर सीरीज में, किस तरह किया था एक्स एन इज लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स होता है, सही है। और यहाँ पे देखें जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन प्लस एक्स और ये इसके सामने फॉर ऑल एन इज इक्वल आर ग्रेटर देन के एप्सिलॉन, ये क्या चीज है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। ये एप्सिलॉन क्या है और ये कि एप्सिलॉन किस तरह से डिपेंड करता है, ये हमने डिफाइन किया। अभी देखिए ये एप्सिलॉन प्लस एक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल एन इज इक्वल आर ग्रेटर देन के एप्सिलॉन, के एप्सिलॉन से ग्रेटर और इक्वल के लिए। तो ये बात ट्रू है कि एप्सिलॉन प्लस एक्स जो है वो बाउंडेड है एक्स एन पर, लेकिन इससे लेस वालों के लिए बाउंडेड होगा कि नहीं वो चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए हमें शो ये करना है कि एक्स एन जो है वो किसी पॉजिटिव नंबर एम से बाउंडेड है, वो पॉजिटिव नंबर क्या है। अभी एप्सिलॉन प्लस एब्सोल्यूट ऑफ एक्स देखें जो एन इज इक्वल आर ग्रेटर देन के एप्सिलॉन, उसके लिए ये बात ट्रू है ग्रेटर के लिए कि ये उनसे बाउंडेड है, लेकिन उनसे लेस के लिए देखने के लिए हम क्या करते हैं एम इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम ऑफ
एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वन, यानी कि एप्सिलॉन से लेस वाले टर्म का मैक्सिमम देखते हैं, एक्स टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स थ्री अप टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स के तक होगा फिर, और इसके साथ एप्सिलॉन प्लस एफ भी इसमें शामिल होगा, यानी इन सब का जो मैक्सिमम है वो एम होगा। और हम यहाँ से ये शो कर सकते हैं कि एक्स एन जो है वो इज इक्वल लेस देन एम है तो बाउंडेड। जैसे हमारे पास अगेन वन अपॉन एन का सिक्वेंस है, वन अपॉन एन इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, सही। तो अगर हम एप्सिलॉन जो है वो 0.1 चूज करते हैं और इसका जो कन्वर्जन पॉइंट है वो 0 होता है, 0.2 चूज करते हैं, तो एप्सिलॉन 0.1 चूज करते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 11 होता है। तो ये बात ट्रू होती है कि वन अपॉन एन इज लेस देन 0.1 होता है, प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 to 0 ही होगा फॉर ऑल एन इज इक्वल आर ग्रेटर देन 11, यानी 11 से ग्रेटर, यहाँ वन अपॉन एन में कोई भी वैल्यू पुट कर दे, 1 अपॉन 11, 1 अपॉन 12, 1 अपॉन 13, तो वो इस नंबर से लेस होगा, इस पॉजिटिव नंबर से। तो एन इज इक्वल आर ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के लिए, 11 से ग्रेटर के लिए ये एम होगा, ये टू होगा, लेकिन इससे लेस के लिए क्या होगा, क्योंकि हम ऑल टर्म्स के लिए देखते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स के लिए नहीं। तो इससे लेस के लिए देखिए हम एम जो है वो चूज करेंगे 11 से लेस वाले टर्म में से, देखते हैं क्या उनमें से कोई होगा, नहीं होगा तो ये 0.1 ही होगा। तो इसके लिए मैक्सिमम ऑफ 11 से लेस वाले टर्म क्या है, 1 अपॉन 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, 1 अपॉन 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर 1 अपॉन 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर अप टू 1 अपॉन 10 का एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर एप्सिलॉन जो था 0.1 का 0.1 होगा। अभी देखें इन सब में मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 1 है इन सब में, तो एम जो है वो 1 होगा, यानी 1 अपॉन 10 के लिए जो एन होगा वो ऐसे 1 होगा। तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 1 है, इसका मतलब यह है कि -1 इज इक्वल आर लेस देन 1 अपॉन 10 होगा, विच इज इक्वल आर लेस देन 1। तो इसका एग्जैक्ट मतलब यह है कि जो 1 अपॉन 10 है वो 1 से बाउंडेड। अभी हम यहाँ पे ये था कि एक्स एन कन्वर्जेंट हो तो वो बाउंडेड होगा, लेकिन यहाँ का है कि काशी हो तो वो भी बाउंडेड, इसका प्रूफ भी सिमिलर है, कोई तो डिफरेंट नहीं है, इसका प्रूफ करते हैं। इसके लिए देखें फिर काशी की डिफिनीशन अप्लाई कर दें, काशी की डिफिनीशन जैसे लेट एक्स एन बी काशी सीक्वेंस हो तो देन बाय डिफिनीशन फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन सच दैट एक्स एन माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन इज इक्वल आर ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के लिए, ये बात ट्रू होगी। तो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं इन ए पार्टिकुलर फॉर एम इज इक्वल टू के एप्सिलॉन, एम कोई के एप्सिलॉन हम चूज करते हैं एम की जगह, जिसको एक्स एम माइनस एक्स एन कहा था उसको एक्स एन माइनस एक्स एम में से जो एम है वो लेस देन एप्सिलॉन था बाय डेफिनेशन। तो एम जो है वो हम कोई भी हम चूज कर सकते हैं ना, एम और एन जो है के एप्सिलॉन से इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए, इस एम को हम के एप्सिलॉन जी नाम देते हैं, सही है। इसको के एप्सिलॉन जी नाम दिया तो ये एक्स एन माइनस एक्स के रिलेशन एप्सिलॉन होगा, और ये देखें ये हमारे पास ये वाली टर्म जो है वो बन गई है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की तरह बन गई, फॉर ऑल एन इज इक्वल आर ग्रेटर देन के एप्सिलॉन, और यहाँ पे एन एम इज इक्वल आर ग्रेटर देन के एप्सिलॉन था, और जो एम था उसको हमने के एप्सिलॉन कहा है, तो एम के एप्सिलॉन होगा। तो अभी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज किया तो एक्स एन इज इक्वल आर लेस देन एक्स के प्लस एप्सिलॉन होगा, नहीं होगा फॉर ऑल एन इज इक्वल आर ग्रेटर देन के एप्सिलॉन। अगेन देखिए वही बात है, एन इज इक्वल आर ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के लिए तो ये बात ट्रू है, के एप्सिलॉन एक्स के और उससे ग्रेटर वाली टर्म्स के लिए ये बात ट्रू होगी कि एक्स एन उससे बाउंडेड होगा, तो उससे लेस वाली टर्म के लिए क्या होगा, उससे लेस वाली टर्म के लिए हमें एक ऐसा एम चूज करना होगा जो शायद लेस वाले टर्म में सो या इस टर्म में, उसके लिए एम जो सुप्रीमम ऑफ एक्स वन एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स टू की एब्सोल्यूट वैल्यू या के एक्स के माइनस वन और एक्स के प्लस इस एप्सिलॉन की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसमें से चूज करते हैं। तो एम जो इनमें से कोई एक नंबर होगा, एक नंबर इनमें से कोई नंबर हुआ तो जाहिर सी बात है कि अब एक्स एन इससे लेस है, तो इन सब के
इससे और इन सब के सुप्रीमा जिसमें ये भी इंक्लूड है उससे भी तो लेस होगा, तो हम ये कह सकते हैं एक्स एन इज लेस देन एम और ये बॉन्डेड होगा काची से। तो सिमिलरली देखें कि ये कन्वर्स टू नहीं होगा, यानी अगर कोई बॉन्डेड सिक्वेंस है तो वो काची होना जरूरी नहीं है। उसके लिए एक एग्जाम्पल ये काफी है कि फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर एन इज बॉन्डेड बट नॉट ए काची, हमने पहले प्रूव कर दिया प्रीवियस लेक्चर में, वो आप देख सकते हैं कि ये बॉन्डेड है लेकिन काची नहीं। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है काची कन्वर्जन क्राइटेरिया। इस थ्योरम में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई सीक्वेंस काची हो तो क्या वो कन्वर्जेंट होगा, या कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो वो काची होगा कि नहीं, वो इस थ्योरम में डिस्कस करेंगे। और वो नेक्स्ट